हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसके कुछ लॉज के बारे में पढ़ा था। अब हम देखेंगे आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमें आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसके जो लॉ थे या फिर हमने उसकी जो ऑब्जर्वेशन देखी थी, उन ऑब्जर्वेशन को क्लासिकल मैकेनिक्स की सहायता से हम एक्सप्लेन करके नहीं बता पा रहे थे। क्लासिकल मैकेनिक्स फेल रहा उन लॉ को एक्सप्लेन करने में, तो काफी टाइम वो एज इट इज प्रॉब्लम की प्रॉब्लम ही रही। वो जो लॉ थे उनको एक्सप्लेन करके नहीं बता पाया। पर 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करके बताया। उन्होंने क्या किया, आइंस्टाइन ने जो मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी लाइट के बारे में, उसका क्या किया, यूज किया। मैक्स प्लैंक्स ने जो थ्योरी दी थी लाइट के बारे में, उसमें क्या था, उसमें बताया था एवरी रेडिएशन हैज पार्टिकल करेक्टर। हमारे पास जितनी भी रेडिएशन होगी उसका क्या होगा, पार्टिकल करेक्टर होगा। तो जो प्लैंक्स है उसने स्टार्टिंग में ये इंफ्रारेड लाइट के ऊपर लिया था, पर जो आइंस्टाइन है उन्होंने सब लाइट के ऊपर ये चीज अप्लाई की थी। हमारे पास जितनी भी लाइट होती है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। तो पार्टिकल नेचर लेके आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके लॉ को एक्सप्लेन करके बताया। स्टार्ट करते हैं। द लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कुड नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेस ऑफ क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल मैकेनिक्स या फिर क्लासिकल फिजिक्स। जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो लॉ थे उसको हम एक्सप्लेन करके नहीं बता पा रहे थे क्लासिकल फिजिक्स की सहायता से या क्लासिकल मैकेनिक्स से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इन 1905 अल्बर्ट आइंस्टाइन अप्लाइंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। 1905 में क्या किया, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यूज की जो लाइट के ऊपर थी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बता रही है, हमारे पास जितनी भी रेडिएशन है उसका क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। हमारे पास कोई भी सोर्स है, उस सोर्स से जो एनर्जी निकल रही है या जो लाइट इमिट हो रही है वो किसमें, पार्टिकल नेचर में भी होती है। और उन पार्टिकल को क्या बोल दिया गया, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, फोटोन या फिर क्वांटम या फिर क्वांटा भी हम उसको बोलते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑन लाइट, ही प्रपोज दैट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स कम्स फ्रॉम पैकेट्स ऑफ एनर्जी। प्लैंक्स ने क्या बताया था, हमारे पास मान लिया ये कोई भी एक लाइट का सोर्स है, इस लाइट के सोर्स से जो एनर्जी इमिट होगी वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होगी और छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में ये एनर्जी क्या होगी, यहां से निकलेगी। और इन पैकेट्स को क्या बोल दिया गया, फोटोन। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू हिम, जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी उसमें क्या बताया था, जो एनर्जी है किसी भी फोटोन की, जो एनर्जी हो डिपेंड किसके ऊपर करेगी, डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो यहाँ पे बता दिया गया जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। मतलब जो फोटोन की एनर्जी है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। या फिर हम कह सकते हैं जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैं रिमूव करता हूं, हटाता हूं, तो उसकी जगह क्या आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो हम यहाँ पे एच क्या लेके आए, कॉन्स्टेंट लेके आए, तो हमारे पास रिलेशन आ गया ई इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है यहाँ पे, एच है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट और न्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। एच की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 6.62 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड। ये हमारे पास वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की। उसके बाद आइंस्टाइन ने बताया, ये हमारे पास कोई मेटल का सरफेस है, कि जब किसी भी सोर्स से जो लाइट किसी मेटल के सरफेस के ऊपर गिरती है या फोटोन इस मेटल के सरफेस के ऊपर गिरते हैं, तो जो फोटोन की एनर्जी इसका टू टाइप से क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। पहला यूज तो इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, निकालने के लिए किया जाता है। और दूसरा यूज इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने के लिए क्या करते हैं, हम इसका यूज करते हैं। मीन्स जो फोटोन की एनर्जी है उसका दो टाइप से यूज होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन को इस मेटल के सरफेस से निकालने के लिए और दूसरा इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, देगा।
तो जो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होगी, वर्क फंक्शन के इक्वल होगी। वर्क फंक्शन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वर्क फंक्शन क्या होता है। और दूसरा जो फोटोन की एनर्जी है किसकी इक्वल होगी, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वर्क फंक्शन हमने देखा था, वर्क फंक्शन क्या होता है हमारे पास, वर्क फंक्शन होता है फाई, और ये काइनेटिक एनर्जी हमने क्या कर दी यहाँ पे डिनोट कर दी, और फोटोन की जो एनर्जी थी वो हमने क्या मानी, एच न्यू। अब जो हमारे पास वर्क फंक्शन है, अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अलग अलग वर्क फंक्शन की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। मतलब किसी इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन कम होगा और किसी इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मान लिया हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, किसी बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं जो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो उसको निकालने के लिए वर्क फंक्शन कम होगा, और अगर हम किसी कोर के इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो उसको निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लिया हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है, 100% है। तो मान लिया वर्क फंक्शन कितना होगा, मान लिया हमने वर्क फंक्शन मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमने 40% एनर्जी क्या देती, वर्क फंक्शन में देती, तो बाकी की जो 60% एनर्जी है वो कहां चली जाएगी, वो चली जाएगी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। तो 60% एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। तो ये जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी सबसे लूजली इलेक्ट्रॉन की है। लूजली इलेक्ट्रॉन का मतलब जो बड़ी आसानी के साथ क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। और हमारे पास जो फाई है, ये फाई किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फाई डिपेंड करता है मेटल के नेचर के ऊपर। हम मेटल का जो सरफेस लेके चल रहे हैं उसका नेचर कैसा है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो वर्क फंक्शन होता है हमारे पास, वर्क फंक्शन क्या होता है, फाई इज इक्वल टू एच न्यू नोट। न्यू नोट क्या था हमारे पास, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और न्यू क्या होता है हमारे पास, न्यू होता है न्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा। मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, वेवलेंथ की। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है वेलोसिटी ऑफ ए लाइट, और यहाँ पे लैम्डा नोट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इस न्यू की वैल्यू हम यहां पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, फाई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नोट। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये है हमारे पास वर्क फंक्शन की वैल्यू। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर टू है, हम इक्वेशन नंबर टू को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने यहां पे क्या किया, फाई की जगह हमने ये वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। यहां पर हमारे पास न्यू की वैल्यू है, न्यू की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नोट प्लस में काइनेटिक एनर्जी। इक्वेशन नंबर चार को हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर चार में यहां पे भी हम न्यू की वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा एच इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे क्या होगा, हम इस वैल्यू को इस तरफ लेके आएंगे इक्वल टू के निशान से, तो क्या हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है, एच सी क्या रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम दोनों को क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। एच सी तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास एक फॉर्म हो जाएगी किसकी, आइंस्टीन इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, आइंस्टीन इक्वेशन है। या फिर मैं इसी इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब मैं इस न्यू नोट, एच न्यू नोट को उस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में एच न्यू माइनस एच न्यू नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। एच इसमें से क्या निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, एच बाहर निकाल लिया, न्यू माइनस न्यू नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये जो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ये इसका दूसरा टाइप हो जाएगा। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं और इसको मैं
ऐसे भी लिख सकता हूं। यहां पे हमने एक टर्म यूज की लैम्डा नोट, इसके बारे में देखते हैं। लैम्डा नोट क्या है हमारे पास? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है? वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर बात करें फ्रीक्वेंसी की, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, तो उसमें होगा मिनिमम। अगर बात होगी किसकी? वेवलेंथ की, तो इसमें हम यूज करेंगे वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये था हमारे पास आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये क्या है हमारे पास? आइंस्टीन इक्वेशन। हम आइंस्टीन इक्वेशन को इस टाइप से भी लिख सकते हैं, आइंस्टीन इक्वेशन को इस टाइप से भी लिख सकते हैं, और आइंस्टीन इक्वेशन को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। वो आपकी इच्छा है, आप किस टाइप से इसको लिखना पसंद करोगे। थैंक यू।